Hello viewers, welcome to my channel. I am Rashmi, your maths teacher. Guys, अब please मेरे channel को subscribe करें और bell icon को press करना ना भूलें. तो इस video में हम solve कर रहे हैं chapter number 8 से example number 13. Prove that sec a 1 minus sin a और sec a plus tan a equal to 1. तो इन तीनों में multiple का relation है, हमें इसको 1 के equal ले कराना है. तो इस तरह के जब भी आपको question आते हैं तो आप कोई भी एक साइड लेके प्रूव कर सकते हो, पर यहाँ पे तो राइट में सिर्फ 1 ही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे. क्या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर 1 आता है, वही हमें चेक करना है. तो sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan ए हो गया. ओके, तो सबसे इजी मेथड है. मोस्टली क्वेश्चन आपके साइन कॉस में, सारी जो भी वैल्यू होगी उनको साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करो. मोस्टली क्वेश्चन आपके उसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे. तो अब यहाँ पे भी देखो, क्योंकि ये हमारा साइन है, हमें पता है कि जो हमारा सेक होता है, सेक ए वो होता है हमारा 1 बाय कॉस ए होता है. फिर साइन तो हमारा साइन ही, क्योंकि हम साइन कॉस में चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी सेक को हम 1 बाय कॉस में चेंज कर देंगे. और टेन ए जो हमारा होता है वो हमारा होता है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए. तो ये दोनों वैल्यू जो हमें चेंज करनी वही हमने ले ली, ताकि हम इनको इक्वेट कर सके. सेम वैल्यू करेंगे तो उनको इक्वेट करके कुछ आंसर आएगा, तो इसलिए हम इनको चेंज करें. तो दिस इम्प्लाइज सेक ए हमारा यहाँ से कितना हो गया, 1 बाय कॉस ए, फिर 1 माइनस साइन ए हमारा एज इट इज, फिर sec a को भी हमने चेंज किया 1 बाय कॉस ए, और tan a हमारा हो गया साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a हो गया. ओके, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, वैल्यू पुट कर लिया. अब आप यहाँ देखो, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन है. यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. 1 बाय कॉस ए हमारा एज इट इज, 1 माइनस साइन ए हमारा एज इट इज. अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉस ए कॉस ए, तो एक ही एलसीएम आएगा कॉस ए. तो कॉस ए के टेबल में कॉस ए, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो गया. अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को एक साथ लिखते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को एक साथ लिखते हैं. तो दिस इम्प्लाइज ये 1 इंटू दिस सारे मल्टीपल होंगे, 1 को किसी से मल्टीपल करो वही आता है. तो 1 माइनस साइन ए आएगा और 1 प्लस साइन ए आएगा, ठीक है, यही दोनों ब्रैकेट आएंगे. और डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में फिर से कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको यहां देखो, आपको एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या लग रही है, ए माइनस बी और a प्लस बी. तो ये हमारी क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सारे बेसिक क्लियर होंगे तभी आपके माइंड में सारी आइडेंटिटीज आएगी कि यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्टेप्स ऐसे वेरीफाइड नहीं कि आपको इसके बाद यही स्टेप करना है, यही फॉर्मूला लगाना है. यहाँ आपको बस सॉल्व करते जाना है, जो लॉजिक आपको सही लगता है वो लगाते जाना है. अगर आपके लॉजिक बिल्कुल सही लग रहे तो आपका आंसर आ जाएगा, कहीं भी एक स्टेप पर भी लॉजिक रॉन्ग हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा. तो इसके बाद आपको लग रहा है कि ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो हमारी ये आइडेंटिटी लग सकती है, तो हम ये आइडेंटिटी लगा देते हैं. ए कौन है यहाँ पे, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया. फिर माइनस बी, तो बी कौन है, यहाँ साइन है, तो बी स्क्वायर हमारा साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, ये आइडेंटिटी लग गई. फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये कॉस स्क्वायर हो गया, हमें 1 लेकर आना है. तो एक्चुअल में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल करना है, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है. तो आप यहाँ पे देखो, इसको ये भी हमारा कॉस स्क्वायर ए होना चाहिए. तो फिर से हमें एक फर्स्ट आइडेंटिटी पता है, वो हमारी क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है. तो आप यहां से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो हम साइन स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफर कर देते हैं. तो कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया. तो हमें इसी की तो वैल्यू पुट करनी है, तो ये आइडेंटिटी से तो हमारी वैल्यू हुई है. तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या हो गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर हमारा सेम ही है कॉस स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए की टेबल में कॉस स्क्वायर ए कितना बार टाइम आएगा, 1 टाइम. तो ये इक्वल 1 हो गया, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड. तो हैंड्स प्रूव्ड. ओके, तो कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल होके 1 आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा. जैसे 2 बाय 2 के टेबल में 2 से डिवाइड करो 1 आता है ना, बस वैसे ही, ठीक है. तो आई होप आपको बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आया होगा. अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.